हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 अक्टूबर को अपराह्न 3:50 पर आएंगे गोरखपुर। बीटीसी 2015 का पेपर निरस्त होने पर परीक्षार्थियों ने डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन, किया परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग। यूपी पुलिस में बॉर्डर नीति को लेकर आईजी रेंज जय नारायण सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई शांति व्यवस्था और अभियोजन समिति की बैठक, लंबित मुकदमों के निस्तारण में तेजी लाने के दिए निर्देश। उत्तर भारतीयों पर हो रहे अत्याचार का निषाद, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, कहा दोषियों पर हो उचित कार्रवाई। महापौर की अध्यक्षता में साकुशल संपन्न हुई सदन की बैठक, महानगर को साफ सुथरा बनाने के लिए दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। ट्रैफिक पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए ऑटो चालकों ने किया हड़ताल, फिर एसपी ट्रैफिक के हस्तक्षेप और आश्वासन पर लौटे वापस। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम के 12वें परिनिर्वाण दिवस पर दी गई श्रद्धांजलि, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। गुजरात में हो रहे उत्तर भारतीयों पर अत्याचार के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने किया प्रदर्शन, दोषियों पर कार्रवाई न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। अवैध कच्ची शराब के विरोध में नगवा गांव के ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन, किया कच्ची शराब कारोबारियों पर कार्रवाई की मांग। राफेल मुद्दे को लेकर आम आदमी के सदस्यों ने किया प्रदर्शन, एसआईटी की गठन कर मामले का निष्पक्ष जांच करने का किया मांग। पेट्रोलियम पदार्थों में हो रही लगातार बढ़ोतरी का सफाइयों ने किया विरोध, दिया धरना। गुजरात में उत्तर भारतीयों के साथ हो रही बदसलूकी का महानगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाकर किया विरोध। और सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में 2 दिवसीय वार्षिक खेल समारोह का प्रचारी ने मशाल जलाकर किया शुभारंभ, प्रतिभागी खिलाड़ियों ने दिखाया दम।